कैसा लग रहा है? नंबर स्वागत है आप सबका मेरा YouTube चैनल चांदनी ब्लॉग सिमडेगा में। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और सुबह हो गया है और अभी हम लोग बनाने वाले हैं नाश्ता। तो आज कुछ चटपटा सा नाश्ता बनाएंगे, कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, डेली रोटी रोटी। तो चलिए दिखाते हैं क्या बनाने वाले हैं। आज हम आलू चप बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है सारा सामान और क्या बन रहा है। अभी बनेगा आलू चप, इधर रह गया बेसन, इधर रह गया ज्वाइन मंगरीला, कुछ हल्दी है, नमक है, मिर्चा है, मिला जुला के बनाते हैं हम लोग आलू चप और धनिया चटनी के साथ। तो धनिया चटनी हम पीस लिए हैं। ये मेरी मम्मी है। माथा में बजरंग बली मत कीजिए ऐसा। तो इधर आलू उलू पूरा बॉयल हो गया है सब, खाली अब बनाने का देरी है। तो चलिए पूरा प्रोसेस दिखाते हैं और खिलाते हैं आज आप लोग को आलू चप ना जी। खिला तो नहीं पाएंगे, बस दिखा सकते हैं। इधर आलू उलू छिला गया है तो अब आलू मैसाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बेसन को सानेंगे। तो देखिए सर इधर बना रहे हैं। इसमें हल्का सा पहले सोडा दे देते हैं फूलने के लिए। सोडा देने से आलू चप थोड़ा फूल जाता है। फिर थोड़ा सा अपना हिसाब से नमक दे दीजिए स्वाद के अनुसार और ज्वाइन मंगरला दे दीजिए, बस उतना काफी है। अरे हमको कौन दिखाएगा? अच्छा, अरे इधर भी मेरी मम्मी काम कर, इधर भी देख लीजिए बहुत काम। प्याज छिल रही है। प्याज छिला गया मैडम? हैं आंटी, हो गया हो गया, दे वो दे, दे कितना बढ़िया छिल दिया है सर। ये तो बहुत खूबसूरत है भाई, कौन सिखाया आपको? मम्मी सिखाई। थैंक यू तो बोल दो। अब जाएगा इसमें, इसमें ज्वाइन मंगरीला इतना काफी है। चलो हो गया। तो इधर देखिए कितना बढ़िया सा आलू का मैस रहे हैं गर्मे गर्म ना जी। तभी तो मजा आएगा। तुम बना देगी? हाँ। ठीक है। और अभी आलू में जाएगा प्याज मिर्चा धनिया पत्ता। अच्छा चलो बना दो। कैसे बना? दोनों एकदम लग गए हैं, देखिए दोनों का काम चालू है। अच्छा इसे नहीं बोलते, कैसे बोलते हैं? तो आलू पूरा मैसा गया, देखिए इधर टिकिया बन रहा है, फिर उसको बेसन में डुबाएंगे और छानेंगे। इधर बेसन भी घोल के रेडी है। कुछ इस तरह से गोल गोल किया जाता है, हल्का में इसे दाब दिया जाता है ताकि आराम से पकड़ दे। ज्यादा मेहनत नहीं है। ज्यादा मेहनत नहीं है, बड़ा आराम से आप लोग बनाना मन करे तो बना खा सकते हैं। आलू को आप भूंज के भी बना सकते हैं, हम लोग सादा बना रहे हैं। भूंजने से थोड़ा ज्यादा मेहनत हो जाता है। तो देख सकते हैं इधर हम तेल डाल दिए हैं और गैस भी जला दिए, गरम हो रहा है, सूरज पूरा आंखें में पड़ रहा है। बड़ा थाली लाओ, काम रखेगा इसको निकाल के। अब हो चुका है तैयारी, हम लोग यहाँ डालेंगे, थोड़ा तेल गरम हो रहा है, फिर इसको छानेंगे, खाने में मजा आएगा। तो थोड़ा सा और इंतजार का समय है। यहाँ पर लोग पूरा सामान रेडी हो चुका है, सब बना लिए पूरा थोड़ा सा और। अरे वाह क्या बन रहा है, देखिए एक ही बार में 6 पीस। आपको अकेले बनाते ना।
रुको रुको, गरम है गरम है, रुक जा, गरम है बेटा बहुत ज्यादा। ये पकड़ो, लो पकड़ो पकड़ो, चलो पकड़ो। हमको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, खा ले क्या? खा के देख लो कैसा लगा, मुंह धो तो, मुंह धो के हैं। वाह, खा के देखो कैसा लग रहा है, खा के बताओ कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये खाए यहाँ पर, और हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हम खा के देखते हैं क्या बोल रही है। देखो ठीक लग रहा है, नहीं बहुत मजा, सही में मजा आ गया। एक एक बुद्धू को छाना, तू का लग रहा है, मजाक चल रहा है, यहाँ हलवा है कौन? इधर एक पूड़ी भी बना दिए हैं, हम बेल के रख दिए थे, तो सानू को खिला लेते हैं। हाँ चलो बेटा, पूरा जानते हैं जी आप एक्सपीरियंस से, इसीलिए धूप में मंगाए हैं सब चीज। पहले होटल था ना, इसी का एक्सपीरियंस है हमको। नहीं है, खाएगी तब देंगे, ये वाला खाओ तब देंगे, ये वाला खाओ अभी, चल छोटा वाला दो, इसको खा खा दिए, कैसा लगा? अच्छा। सही में आदमी खोजिए, खोल रहे हैं, खोजिए ग्राहक डेली का। देखिए खाने के लिए ना, तब तो हम कमाई जाएंगे, वही तो 7 रुपया। आलू चप हम लोग का हो गया है खत्म, अब बनेगा खाली थोड़ा सा बेसन बच गया था, उसको हम लोग प्याज काबू। अरे कहना क्या चाहते हो, पकौड़ी बन रहा है, पकौड़ी बना दे रहा, थोड़ा सा बचा है उसको, और इसमें आदि और लहसुन भी कुछ आ रहे हैं, देखिए तभी तो टेस्टी आएगा, बच ही जाता है आलू चॉप बनाने से, बच ही जाता है लास्ट। वाओ, गर्मा गर्म आलू चॉप, उसके बाद बन रहा है इधर धनिया चटनी, पकौड़ी मजा आ गया। ले इन्हें कर, एक ही बार इधर खाने के लिए भी खुशबू बढ़ गई है। और दे, बनेगा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर खुशबू खाने लग गई है, और अभी नेहा का पारी है। इधर है धनिया का चटनी, एक नंबर। हाँ, और इधर आ गई है, ला दिखा तो, कहाँ दिखा, वैसा फ्रेंड देख सकते हैं इधर बना लिए, पूरा कंप्लीट हो गया, गैस भी बंद कर दिए हैं, इधर सन के पापा आ गए मुंह धो के, आई तो सॉस भी ले लाए, सॉस के साथ लीजिए धनिया चटनी भी, धनिया चटनी खाओ आंटी, ये और थोड़ा दो, ये पापा का ही मेरा। कैसा लग रहा है? एक नंबर। हाँ। इसमें अगला बार ना आलू बना, लहसुन थोड़ा कुछ को डाल देना। हाँ। तो देखिए इधर मेरे लिए भी निकाल लिए हैं, और हम तो खा के आप लोगों को बताए ही हैं, तो चलिए चटनी के साथ एक बार बता देते हैं। भूख हमारा चाप दिया मुँह, चटनी के साथ और भी मजा आ रहा है फ्रेंड, तो खाते हैं और इंजॉय करते हैं हम लोग आलू चप का और पकौड़ी का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए बाय बाय।